नागपुर में डॉक्टर की लापरवाही से 28 वर्षीय युवक की मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया है। मानकापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत श्री कृष्ण धाम बस्ती में रहने वाले युवक की मौत होने से परिसर में खलबली मची है। वहीं परिजनों ने डॉक्टर के प्रति रोष जताया है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। यह कुरान हॉस्पिटल, ये डॉक्टर सर, ये वीडियो एक मिनट, नहीं 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 सर, गलत सर, हाँ मैं इसी देख रहा हूँ ना, इसी दिखाता हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, दूर, इसी निकालो। देखो ये इतने सालों से यहाँ गलत बात, जो था पहले क्लियर करना था, नाम टाइप करो, काम करते हैं हॉस्पिटल में, करते हैं सभी, समझता हमको नहीं क्या, नाम टाइप करो ना उसको। हाँ सर, मैं क्या लगा है, 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 लगा नागपुर के मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत एक 28 वर्षीय युवक की अचानक मौत होने से हड़कंप मचा है। मिली जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय राहुल इवनाते को सुबह अचानक सीने में दर्द उठा तो उसे घरवाले मानकापुर चौक स्थित कुणाल हॉस्पिटल में ले आए। वहां डॉक्टर ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित किया, ऐसा परिजनों का कहना है। परिवार के सदस्य ने बताया कि परिजनों ने मृतक की ECG रिपोर्ट मांगी तो डॉक्टर ने अन्य मृत महिला की ECG रिपोर्ट परिजनों को थमा दी। रिपोर्ट देखने के बाद परिजनों के ध्यान में आया कि रिपोर्ट किसी महिला की है और उसमें किसी का नाम काटकर राहुल का नाम लिख दिया है। उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को गलती बताकर अपने सामने ECG करने लगाया तो डॉक्टर ने फिर से एक बार ECG किया, जिसमें ECG की रिपोर्ट में पता चला कि राहुल की सांसें चल रही है और डॉक्टर से कहीं ना कहीं गलती हुई है। इस घटना के बाद डॉक्टर ने परिजनों से माफ़ी मांगी और राहुल को मेयो हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहा, जहां उपचार के लिए देरी होने में मेयो हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित किया गया। मेरे दोस्त को आज सुबह 10:30 के करीब में चेस्ट पेन हुआ। चेस्ट पेन होने के बाद सब बस्ती वाले आए। बस्ती वाले आने के बाद में हमने बोले उसको ज़्यादा दर्द दे रहा है तो अपन हॉस्पिटल लेके चलते, और हमारे यहाँ से धाम से बोले तो सब में पहले हॉस्पिटल कुणाल हॉस्पिटल पड़ता है, तो हमने सोचे कि फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो बच जाएगा करके। उसको ज़्यादा दर्द हो रहा था तो हम लोग कुणाल हॉस्पिटल लेके गए। लेके जाने के बाद 11:30 के करीब हमने वहाँ तक उसको पहुँचा दिए। पहुँचने के बाद डॉक्टर ने फर्स्ट ट्रीटमेंट चालू करे, उसका ECG लिए, हमारे को 15 मिनट टालमटोल करे कि आप रुको, आपके पेशेंट के भी चालू है, दरवाज़ा लगा दिया, हमारे को कुछ बताया नहीं। 15 मिनट के बाद डॉक्टर आके बोलता है कि ये कौन था, इसकी मम्मी को लेके आओ करके। तो उसकी मम्मी को मैं लेके आया और मम्मी को बोलता है कि वो डेथ हो गया करके डिक्लेयर हो गया, कुछ भी इसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो मैंने बोला सर, बोला मेरे को आप ECG कुछ तो दीजिए कि हम बता सके कि आगे में क्या है। तो ECG देने से वो इनकार कर रहा था, तो उन्होंने बोले आप रुको, बोले 5 मिनट के बाद में आपको ECG निकाल के देता हूँ। तो उन्होंने हमारे को ECG दिए, एक फीमेल की, मेरा पेशेंट मेल था, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इस फीमेल की उन्होंने दिए। तो मैंने उनको बोला, मेरा माता खान का, कि भैया फीमेल पेशेंट हमारा मेल पेशेंट है, ये फीमेल की हमको फीमेल को बोल के ये क्या कर रहे करके। तो मैं फिर अंदर गया उनके पास, तो सर बोले आप इधर आइए, बोले। मैंने कहा सर डॉक्टर साहब मेरे सामने एक बार ECG निकालो इसकी। ECG जब निकाली गई तो वाइटल्स चालू थे, तो मैंने उनका वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाने के बाद डॉक्टर मुझे सॉरी बोलता है कि मेरे से गलती हो गई, आप मेवा मेडिकल लेके जाओ। फिर मैंने उसमें नाम प्रिंटेंट करवाया, ECG है ये राहुल की, इसमें वाइटल्स है, इसमें वाइटल्स है पूरे, इसमें पूरे वाइटल दिखा रहे, ये फीमेल पेशेंट का हमारे को कुणाल हॉस्पिटल ने धोखेबाजी किया। फिर हमने उसके बाद में वहाँ से निकालने के बाद हम लोग मेवा गए, मेवा हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों का कहना था कि अगर आप 5 मिनट अगर लेके आते उनको तो ये बंदे की जान बच जाती थी। हमारा 1 घंटा कुणाल हॉस्पिटल में वेस्ट हो गया। उस कारण से हम लोग इतने परेशान थे कि हमारा बंदा जो मेरा दोस्त है, भाई से बढ़कर था, ये उसकी मम्मी राहुल बलराम इमनाते, वो आज जिंदा होता, ये कुणाल हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण आज वो नहीं है। इस बात का हमें दुख है। इस चक्कर में हम लोग पूरे मिलके फैमिली वाले पुलिस स्टेशन गए, मानकापुर पुलिस स्टेशन में गए तो वहाँ पे हमारी बयान लिखा गया, जो गए थे हॉस्पिटल में, हमने उनको प्रूफ दिखाया गया, तो उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, आप इतना मजमा करो मत, हम इसके बाद में आगे में कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। डॉक्टर सर का नाम नहीं पता, 3 डॉक्टर थे, मैं उनको वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में वीडियो है, वीडियो में सब दिख रहा है कौन कौन डॉक्टर है और कौन कौन है। तो पुलिस वाले बोले कि आप इतना तामझाम मत करो, इतनी पब्लिक को जमा मत करो, पब्लिसिटी मत करो, हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर, हमको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं। उन लोग पुलिस वाले भी वहाँ गए थे, उन्होंने हमारे नाम की उल्टा कंप्लेंट डाल दिया है कि इन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ किया है, हमारे बच्चे की जान जाएंगी, तो पब्लिक आक्रोश में आके वहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। युवक की मौत होने से गुस्साए परिजनों ने कुणाल हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ की।
और मानकापुर पुलिस स्टेशन में कुणाल हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में मानकापुर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक ने दी। मृतक राहुल बलराम युवनाते याच्या छातीत दुखत असल्यामुळे त्याला कुणाल हॉस्पिटलमध्ये इथे आणलं होतं त्यांच्या नातेवाईकांनी। त्याला तिथे आणल्यानंतर त्याचा ECG करण्यात आला। ECG नंतर त्यांना समाधान झालं नाही पेशंटच्या नातेवाईकाचं, म्हणून त्या कारणावरून त्यांनी तिथे तोडफोड केली आणि परत त्याला मेओला घेऊन गेले। आता त्या याच्यावरून पुढील कारवाई करत आहोत। मृतकाचं पोस्टमार्टम केल्यानंतर सगळ्या गोष्टी क्लिअर, त्याच्याबद्दल आता काहीच सांगता येणार नाही आहे। ते सगळं चौकशी करून पुढच्या जे काही टेक्निकल गोष्टी आहेत त्याच्यावर कुणाल हॉस्पिटलवरती काही विचारपूस करण्यात आली आहे का डॉक्टरांकडून? नाही, आत्ता आम्हाला फक्त त्यांनी माहिती दिली आहे, ॲप्लिकेशन दिलेलं आहे मृतकांच्या नातेवाईकांनी, त्याचीसुद्धा चौकशी होईल आणि हॉस्पिटलमध्ये तोडफोड केल्याबद्दलची माहिती त्यावर सुद्धा करावी। वही इस मामले में अस्पताल प्रबंधन और मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है, फिलहाल किसी पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।